कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि हल्के वाले आगे वाली नोक को सीता कहते हैं और नोक से इस लड़की का जन्म हुआ है तो मैंने इस बेटी का नाम सीता रख दिया है। बोलिए सीता मैया की। आज उसी लड़की के विवाह के लिए स्वयंवर कराया गया। शिव जी का महान कठोर धनुष था, उस धनुष से रंग भूमि बनाई गई। संसार के सब राजाओं को बुलाया गया कि जो भी इस महान कठोर धनुष को उठा करके अपने हाथों से तोड़ देगा सीता उसी के गले में वरमाला डाल देगा। तो ये नौता विश्वामित्र पे भी आया था। तो विश्वामित्र ऋषि राम और लक्ष्मण को लेकर के आज जनकपुर में पहुंचे हैं। जनकपुर नेपाल में है। नेपाल में विचार करना, हमारे पुरखाओं की ससुराल विदेशों में थी और आज काऊ के लड़का के ब्यावा अगर 100 किलोमीटर से आ जावे तो का कहते हैं ना भैया हम पे तो 1 किलो यहीं थी करेंगे क्यों 2-4 को सते। पर सुनो, चंदन बदला न सूरज बदला न बदला जमीन आसमान, जितना बदल गया है इंसान, बदला भव तो इंसान में ही भव। अब सुनो कौन कौन सी चीज बदली। तुम आज ये कहते हो, सब नौजवान बालक कह रहे हैं कि वैज्ञानिक युग है, विज्ञान अवे भाई जादे, तुम्हें कैसे मालूम है? तो नए बालक कह रहे हैं कि देख लो मोबाइल फोन में न कहूं तार है न कहूं तो करंट आ रहा, यहीं बैठे थे बात कर रहे हैं 500 किलोमीटर तक। तो बेटा ये मोबाइल पहले भी था। अच्छा सही बताओ, अगर मोबाइल नहीं होता तो जनकपुर नेपाल में था और धनुष टूटा नेपाल में और परशुराम थे समुद्र के किनारे महेंद्रगिरि पर्वत में, पर पहले का मोबाइल अच्छे अच्छे ऋषियों के पास था, ऋषियों के पास। लेकिन आज अगर कमी हुई है तो सबसे पहले शिक्षा की हुई है, पढ़ाई लिखाई की विशेष आवश्यकता है। तो हम सबसे केवल एक ही निवेदन है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाओ, अच्छे स्कूल में पढ़ाओ। और बच्चों से ये मेरा कहना है कि माता पिता बहुत मेहनत करते हैं तब वो पैसा कमा के और तो तुम्हारी फीस भरते हैं। और पता चली गए लला फीस के तरह रुपया लेके गेले में गुटकई खाई गई, क्या उद्धार होगा जीवन में? मेरी दो बात ध्यान रखना, जिसने माता पिता को धोखा दिया वो कभी सुखी नहीं रह सकता, और जिसने अपने गुरु को धोखा दे दिया वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो आज ध्यान रखना, बताया विद्वानों ने अपनी कलम से, बिन विद्या भारत देश, अरे देश तेरी भाई ख्वारी, बिन विद्या भारत देश तेरी भाई ख्वारी, भाई ख्वारी, बिन विद्या भारत देश, देश तेरी भाई ख्वारी। अर्जुन तो अमरीका ब्याए पंड ब्याए ईरान, 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 हिंद राष्ट्र राजा ब्याए थे गुरुदेव, सवार है और हवाई जहाज ऊपर उड़ के जा रहे हैं, ताज्जुब लगता है।
कि जहाज उड़ के जा रहे हो, 500 आदमी भीतर बैठे हैं, तो जा जहाज के तय रो रहे हो। सुनो वो जहाज कौन सा था जहां में तो 500 ही बैठे। हवाई जहाज को ऊपर देखे लोग हुए हैरान, हवाई जहाज को ऊपर देखे लोग हुए हैरान। सुनो वो विज्ञान कितना आगे था, नल के पानी को पी करके लोग हुए हैरान। नल के पानी को पी करके लोग हुए हैरान, नल के पानी को पी करके लोग हुए हैरान, नल के पानी को पी करके लोग हुए हैरान। उस समय अर्जुन ने तरकस में से तीर लेकर एक खेच के धरती में मारा, संगई जल की धार मुंह में आई, कहां बोरिंग भाई कहां कैप्टी बनी, इतना विज्ञान था आगे। तो उस समय भगवान श्री राम आज अपने गुरुदेवता के साथ जनकपुर में।